Api chedasi papibhya sarvebhya papakrittamaha sarvam jnana plave naiva. Vrajinam santarishyasi api chedasi papibhyah sarvebhya papakrittamah. Sarvam jnana plave naiva. Vrajinam santarishyasi yathaidhamsi samiddhognihi. Bhasmasat kurute arjuna jnanagni sarva karmani bhasmasat kurute tatha. Bhasmasat kurute tatha. Api chedasi papibhyah. Papakrutbhyah sarvebhyah. Atishayena papakrut. Papakrittamaha sarvam jnana plavena eva jnanam eva plavam kritva vrijinam vrijinar navam. Papam santarishyasi dharmopi ihamukshoho papamuchyate. Yathaye dhamsi kasht Tani samiddhaha samyak iddhaha deeptaha agnihi bhasmasat bhasmi bhavam kurute arjuna. Jnanamevagnihi jnanagnihi sarvakarmani bhasmasat kurute tatha nirbiji karoti tyarthah. Nahisakshadeva jnanagni karmani indhanavat bhasmi kartum shaknoti tasmat samyak darshanam sarva karmanam
nirbijatve karanamityabhiprayah. Samarthyat yena karmana shariram arabdham tat pravritta phalatvad upabhoge naivakshiyate. Ato yani apravritta apravritta phalani. Jnanotpattehe prakrutani. Jnana sahabhavini cha. Atitaneka janma krutani cha. Tani eva sarvani bhasmasat kurute. Tani eva sarvani bhasmasat kurute. ज्ञान के साधन और ज्ञान का स्वरूप दोनों का निरूपण करने के बाद अब फिर से भगवान ज्ञान की महिमा ज्ञान की स्तुति का गान करते हैं। तो अपिचेत असी, असी माने त्वम असी, सीधे सीधे अर्जुन के लिए बोलते हैं, यदि तुम्हारे चित्त में कहीं इस तरह की धारणा बनी हो, भावना बनी हो कि मेरे जीवन में बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारे पाप हैं और उन पापों के कारण, विकारों के कारण तो मेरी गति में बाधा है, मानो एक मैं समुद्र में पड़ा हुआ हूँ, तो भगवान यहाँ देखो आश्वासन देते हैं और वो सच भी है, केवल आश्वासन नहीं है, अपिचेत असी। यदि तुम ऐसे हो, कैसे हो, पाप कृत्तमः असी, यदि त्वं पाप कृत्तमः असी, सर्वेभ्यः पापेभ्यः त्वं पापकृत्तमः, इस सभी पापियों में जो पाप करने वाले लोग हैं उन सभी में यदि अपिचेत त्वं पापकृत्तमः असि, अगर तुम पाप करने वालों में सबसे बढ़कर हो तो भी सर्वं संतरिष्यसि, उन सारे पापों को तुम निश्चित है पार कर जाओगे। संतरिष्यसि, किम संतरिष्यसि, वृजिनम, वृजिनम माने पापम, वृजिनारणमम, भगवान भाष्यकार बोलते हैं वृजिनारणमम माने पापों के समुद्र को तुम पार कर जाओगे। वैसे भी अनंत अनंत कर्म हैं तो समुद्र संज्ञा देना सार्थक है। वृजिनार्णमं त्वं संतरिष्यसि, तो केवल पाप नहीं, भगवान भाष्यकार लिखते हैं धर्मः अपि यः मुमुक्षोः पापम् उच्यते। मुमुक्षु के संदर्भ में जो धर्म है वो जो शुभ प्रवृत्ति है वो भी चूंकि तो कर्ता भाव पूर्वक ही हो रही है और कर्ता भाव को पुष्ट कर रही है और कहीं न कहीं हमारी प्राथमिकता को बदलती है, महत्व बुद्धि को बदलती है, सावधानी से न करें तो बहिर्मुखता बढ़ती है, अनेकाग्रता बढ़ती है, तो इवन जो शुभ प्रवृत्ति है
वह भी मुमुक्षु के संदर्भ में, ध्यान रखना, मुमुक्षु के संदर्भ में वह भी पाप ही है। तो यहाँ पाप का भाव लेना चाहिए। पाप माने तो जो हमारा लक्ष्य है उसमें बाधक बनने वाले कर्म, उसमें बाधक बनने वाले विकार संस्कार जो भी हैं। व्यक्ति शुभ प्रवृत्ति करने में कई बार ऐसी मान्यता बना लेता है कि कर्म एव परम, तब भगवान शंकर को बोलना पड़ता है कर्म किम परम, कर्म तद जड़म। वो बोलना पड़ा ना, वो तो ब्राह्मण लोग उपदेश सारम, उपदेश सार के जो साधक हैं वो तो अशुभ प्रवृत्ति वाले नहीं थे, वो तो सबके सब शुभ प्रवृत्ति वाले ही थे, सिद्धियां प्राप्त किए हुए लोग थे। लेकिन सबकी सबकी कर्म में ही निष्ठा थी, कर्मणि एव निष्ठा तेषाम। तो शुभ प्रवृत्ति किसी संदर्भ में पुण्य है, किसी संदर्भ में शुभ है, किसी संदर्भ में बहुत अच्छी है। लेकिन फिर यहाँ तो चूंकि अंतिम प्रकरण है, यहाँ तो मुमुक्षु का संदर्भ है, इसलिए भगवान बोलते हैं धर्मः अपि इह 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 माने मुमुक्षो हो, धर्मः अपि इह मुमुक्षो हो पापमुच्यते, उसको भी पाप कहने में कोई संकोच नहीं करना, कहना चाहिए। होता यही है कि जीवन में कर्म नाम की एक चीज तो है और रहेगी, उसमें जो अशुभ प्रवृत्ति हो रही है वो रुकनी चाहिए, शुभ प्रवृत्ति का प्रवाह होना चाहिए, समाजोन्मुखी जीवन हो जाए, परोपकारी जीवन होवे। लेकिन फिर इन सब चीज़ों से भी धीरे 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 एक निवृत्ति का बिंदु आना ही चाहिए, जहाँ पर सम्यक श्रवण संपन्न हो सके। मेरे ख्याल से अब कोई आप लोगों को समझने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होती होगी। अगर आप यहाँ कर्म संन्यास न किए हुए बैठे होते तो ऐसे श्रवण हो नहीं सकता था। अब ये बात अलग है कि कहने के लिए कहा जाता है कि घर में रह के भी हो सकता है, कर्म करते हुए भी हो सकता है, सब कुछ करते हुए भी हो सकता है, ये बात कही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिसका वर्ण शुद्ध है, जिसके वर्ण में एक तीव्रता है, निष्ठा है, वो इस बात को बखूबी जानता है कि ये हो नहीं सकता। यहाँ आश्रम में ही तीनों कक्षा अटेंड करते हैं मानो हमारे कार्यकर्ता लोग, फिर भी कर्म संन्यास तो नहीं है ना पूरा, निवृत्त होने पर भी थोड़ी प्रवृत्ति जब जब बढ़ जाती है तो महसूस होता ही होगा कि कल मुझे टोकना पड़ा था, क्योंकि वो शिफ्ट करता है प्रायोरिटी को। ये स्थिति बनती है। अब भगवान भाष्यकार लिख दें तो बुरा हो गया, अब वो लिखेंगे सर्व कर्म संन्यास पूर्वकम ज्ञान निष्ठा, तब बुरा हो गया। अरे वो तो जो लिखते हैं वो तो प्रमाण वचन है, वो हमको हमारे अपने निजी कारणों से भला लगता है कि नहीं भला लगता है वो अलग बात है। तो इसलिए इवन शुभ प्रवृत्ति अगर बहिर्मुख हो तो चाहे कुछ समय के लिए सही है, लेकिन उससे भी निवृत्ति लेनी होती है।
हमारे गुरुदेव ने 35 वर्ष तो उनकी उपस्थिति में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब वो स्वयं तपोवन जी महाराज के चरणों में थे उस समय कौन सी प्रवृत्ति थी? कोई महापुरुष, मैंने अध्यात्म की बात कर रहा हूं, कोई महापुरुष एक काल जरूर ऐसा होना ही चाहिए, होना ही पड़ता है, जब अर्थतः संन्यास घटना चाहिए। इसलिए इसमें जो लिखने वाले लोग हैं वो मर्मदर्शी लोग हैं, तो उन्होंने निसंकोच ही ये बात लिख दी, यह मुमुक्षो हो हैं धर्मापि। कोई ऐसे बिना पृष्ठभूमि के पढ़े तो नाराज ही हो जाए, समझो कि आप वो कहकर बताओ धर्म को भी ऐसे बोलते हैं। तो यह मुमुक्षो हो धर्मः अपि पापम उच्यते। बहरहाल प्रश्न यहाँ प्रसंग है ये कि ज्ञान की नौका बना करके प्लवं कृत्वा, भाष्यकार लिखते ज्ञानम एव प्लवं कृत्वा, ज्ञान को ही नौका बना करके साधक इस पूरे कर्म महासमुद्र से निकल सकता है। कृतिमहो दधौ की जो स्थिति है उसमें से वो निश्चित रूप से संतरिष्य से पार होता है। और इसमें एव शब्द लिखा, ज्ञानम एव प्लवं कृत्वा, भगवत गीता में भी शब्द है प्लवेन एव एव, उसका अभिप्राय है कि ये इतना भरोसेमंद, एक इतना सुरक्षित, एक इतना असंदिग्ध साधन है कि साधक इसको चुनाव करते समय निश्चिंत रह सकता है। उसको दूसरी पंक्ति का अरेंजमेंट और तीसरी पंक्ति का अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। नो नो नो, वन शुड ऑलवेज हैव समथिंग टू फॉल बैक। टू फॉल बैक की जरूरत नहीं है, ऐसे बोला जाता है। सेकेंड लाइन अरेंजमेंट, अगर पहली फेल हो जाए तो थर्ड लाइन अरेंजमेंट, यहां नहीं चाहिए वो। एव जोर दिया, बात भी सही है, कभी न कभी ये एव भी घटना चाहिए, नहीं तो जो आश्रय भाव है वो थोड़ा इधर उधर होता रहता है, कभी कर्माश्रय हुआ, कभी प्राणायामाश्रय हुआ, कभी मैंने सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो कभी न कभी तो बस ज्ञान प्लवम एव, हाँ, परमात्मा ने सारी व्यवस्था करी है, उनका तो कहना है कि मुमुक्षु शरणागत हो तो फिर मैं उसको एक चीज देता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम, तो मुझे दूरी पसंद नहीं रह जाती, दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तो उसको पास बुलाना चाहता हूं। पास बुलाने के लिए क्या करता हूं, कार भेजता हूं ऐसा नहीं। सर्व ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, बस। ज्ञान तपसा पूताः मदभावम आगताः, भगवान को जब दूरी पसंद नहीं होती तो यही काम करते हैं। कोई कह रहा था कि पढ़ने की झंझट से मुक्ति मिली, नहीं। श्रवण मनन की व्यवस्था करते हैं, भीतर भी और बाहर भी। अगर ऐसी व्यवस्था किसी भी साधक को प्राप्त हो, अनुग्रहित होना चाहिए, क्योंकि ये अपने किए नहीं होती।
यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। आप सोच के देखो, मैं तो सोचता ही हूँ बीच बीच में, क्या हमेशा ही भाव रहता है कि ये अपने किए सब व्यवस्था होती नहीं, हम क्या कर लेंगे, अधिक से अधिक जिज्ञासु बन जाएंगे और क्या कर लेंगे अधिकतम। लेकिन सारी आगे भी व्यवस्था चाहिए ना, उसके लिए हमारे पास क्या है। और परिस्थितियां भी अनुकूल बनी रहे, नहीं तो बस इधर उधर हो जाता है मन। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, कभी न कभी ये एव घटना चाहिए, ज्ञान प्लवम एव कृत्वा, उसी नाव में तकिया लगा के बैठ जाओ महाराज आनंद से। अब अपना चल रही है नाव, भगवान का वादा है, वचन है, संतरिष्यसि, तुम पार कर जाओगे। ये तकिया लगाने वाली बात कहां से आई भाई, हैं? खोज के बताओ। तरिष्यसि नहीं है ना, समतरिष्यसि है, सम्यक रूप से आराम से पार हो जाओगे, चिंता न करो। ये सम का कमाल है। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम सम तरिष्यसि। भगवान बताते हैं, मालूम है ये कर्म का समुद्र सूख जाता है, भस्म हो जाता है, दृष्टांत के साथ बोलते हैं। ज्ञानम कथम नाशयति पापम इति सदृष्टांतम उच्यते। दृष्टांत के साथ बोल रहे हैं, कैसे है ये, यथा समिद्धः समिद्धः एधांसी, यथा जैसे, एधांसी ईंधन, जैसे ईंधन, ऐसे तो ट्रक का ट्रक ईंधन पड़ा हो तो कुछ उसका बिगड़ेगा नहीं, इद्धा होने की जरूरत है। इद्धा माने प्रज्वलित कर दिया गया, समिद्धः, समिद्ध माने सम्यक रूप से उसको प्रज्वलित कर दिया गया। तो चाहे जितना बड़ा ईंधन की राशि हो, यथा एधांसी समिद्धः, जब एक बार ईंधन को प्रज्वलित कर दिया गया तो अग्नि क्या करती है, अग्नि ही भस्मसात कुरुते, तो अग्नि सारे ईंधन को भस्म कर देती है। थोड़ी देर में मिलेगा क्या वहां पर, बोले भस्म, भस्मसात कुरुते, अग्नि ही एधांसी भस्मसात कुरुते, जो अग्नि है वो ईंधन को भस्म करती है। कब, जब ईंधन समिद्ध हो जाए, प्रज्वलित कर दिया जाए। हे अर्जुन, ठीक इसी तरह से ज्ञान अग्नि ही, ज्ञान एव अग्नि ही, ज्ञान भी वो अग्नि है, वो क्या करती है, ईंधन स्थानी जो कर्म है, ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा तथा एव ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। अब देखो, बात तो ऐसी है कि कर्म तो क्रिया काल में ही आपके अनुभव में आता है। एक बार कर्म पूरा हो जाए तो बन गया उसका अपूर्व, तो आपके ज्ञान का उस अपूर्व के साथ भेंट कब होगी, हो नहीं सकती। अपूर्व तो कहाँ पड़ा हुआ है, कोई मालूम नहीं किसी को, तो ज्ञान से उस अपूर्व का तो मिलन नहीं हुआ। तो भस्मसात करने का क्या मतलब है, कोई ईंधन और अग्नि का तो मेल होता है, ये तो विषम दृष्टांत हो गया। ईंधन और अग्नि का मेल है, यहां ज्ञान अग्नि है, चलो मान लिया,
लेकिन इदानीम काले अस्मिन काले ज्ञानम उत्पन्नः उत्पन्नम, इस समय प्रमाण विचार प्रमाण व्यापार के कारण ज्ञान उत्पन्न हुआ और कर्म अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अपूर्व अवस्था में उनका मिलन कैसे होगा। भगवान भाष्यकार लिखते हैं भस्मसात शब्द का अर्थ होता है निर्बीजी करोति इत्यर्था, बस ये अर्थ है, इसको ध्यान में लेना। कोई भस्म कोई आग नहीं लगती कि धू धू करके जो है कर्म जल रहा है, नो 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 नो, कर्म में जो फल देने की सामर्थ्य है, बीज में जैसे अंकुरित होने की सामर्थ्य होती है, बीज को जला दिया जाए तो भले ही वो बीजवत दिखाई देता है भुने हुए चने की तरह, वो चना ही कहलाएगा, लेकिन उसमें चूंकि बीज तत्व रहा नहीं, अंकुरण की सामर्थ्य नहीं रही, फलारंभक नहीं हो सकता वो, तब इसलिए कहा जाएगा ये जल गया। बोलते हैं नहीं साक्षात एव, देखना इस वाक्य को सावधानी से, नहीं साक्षात एव ज्ञान अग्नि ही कर्माणि इंधनवत भस्मी कर्तुम शक्नोति। ज्ञान की अग्नि साक्षात कर्म को जला नहीं सकती, जैसे अग्नि साक्षात ईंधन को जलाती है वैसे ज्ञान कर्म को साक्षात जला नहीं सकती, ये लिख दिया। भस्मी कर तुम न शक्नोती, फिर अब क्या होगा, बोले तस्मात सम्यक दर्शनम, ज्ञान का अर्थ है सम्यक दर्शन कर्मणि, हाँ वो ध्यान रहे, ज्ञानम वही है, क्योंकि चौथे अध्याय में कर्म के संदर्भ में ही ज्ञान को देख रहे हैं। तो सम्यक दर्शनम माने कर्मणि अकर्म दर्शनम, सम्यक दर्शनम सर्वकर्मणाम निर्बीजत्वे कारणम, समस्त कर्मों को निर्बीज करने में कारण है, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि ये तो प्रकृति में हुआ था, हुआ है, हुआ और आगे होगा। निर्बीजत्वे कारणम इति अभिप्रायः, और जो अकर्म स्वरूप आत्मा है वो तो निर्व्यापार है, उसने कभी कोई कर्म किया नहीं और इसलिए कर्म का उद्भव आत्मा के साथ हुआ ही नहीं, तो उसमें फलदातृत्व की सामर्थ्य रही नहीं, ये बोलते हैं। सो भस्मसात शब्द पर भगवान भाष्यकार का आक्षेप है, भस्मसात का एक भाव है, क्या भाव है, निर्बीजी करोति निर्बीजत्वे कारणम, ज्ञान क्या है निर्बीजत्व में कारण है, हाँ, और कौन से कर्म में, तो बोलते हैं प्रारब्ध तो फल का आरंभ कर चुका है, इसलिए यहां तो उपभोगेन एव क्षीयते, अतः यानी अप्रवृत्त फलानी, ये विषय आप कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन भाष्य में भी देखना चाहिए, अतः यानी अप्रवृत्त फलानी ज्ञानोत्पत्ते है प्राकृतानी, जिनका फल आरंभ नहीं हुआ अर्थात संचित कर्म, जो ज्ञान की उत्पत्ति के पहले हुए, इतना ही नहीं ज्ञान सहभाविनी च, और जो क्रियमाण कर्म है ज्ञान के साथ साथ हो रहे हैं, ज्ञान वृत्ति भी है और कर्म भी हो रहा है, ये दोनों के दोनों निर्बीज हो जाते हैं। अतीत अनेक जन्म कृतानि च तानि एव सर्वाणि भस्मसात कुरुते। इसका अभिप्राय इतना ही है कि जैसे ही कर्म का आश्रय प्रकृति साफ दिखाई देने लग गई,
वैसे ही कर्म का बीज गया। अपनी असंगता, अपनी निर्विकारता, अपना अकर्तृत्व जैसे ही अनुभव में आया, बस निर्बीजत्वम। कर्ता जो नहीं है वो भोक्ता क्यों बनेगा? और जब तक कर्तृत्व भाव है तब तक, भीतर अगर सचमुच में कर्तृत्व भाव है तब तक अवश्यमेव भोक्तव्यम। आत्मा लोग एक कहानी बताते हैं इसको समझाने के लिए। बोले कोई सेठ जी थे, तो अब एक दिन उनके बगीचे में कोई गाय चर रही थी। वो बेचारी कुछ कमजोर थी और इन्होंने महाराज डंडा मार दिया, मर्म देश में कहीं लग गया, वो तो गिर गई और संभालने पर भी मर गई, ऐसे बोलते हैं। तो जब गौ हत्या आई सामने तो बोले कि तो ये तो हाथ का देवता इंद्र है, ना हम कर्ता न भोक्ता, एकदम ललकारा उन्होंने वेदांत। बोले क्या बात करते हो, दृष्टा हम, कर्म का आश्रय तो हस्तयोर इंद्र, हाथ के देवता अनुग्राहक देवता तो इंद्र हैं। तो गोहत्या को लगा कि आखिर इस बात का खंडन तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वेदांत में लिखा है, तत्वबोध से यही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो सीधे गई महाराज इंद्र के पास। इंद्र ने कहा बैठे बिठाए मुझे क्या, मुझे मालूम ही नहीं। बोले ना ना ना, आप ही अनुग्राहक देवता हो, आपने गौ मारी है तो गो हत्या तो लगेगी। इंद्र ने कहा अच्छा बाद में करना, अब मैं जरा मिल के आता हूँ, चलो मेरे साथ तुम भी। तो जब वो गए, एक तेजस्वी ब्राह्मण बन के गए, ये साधु बन के गए। सेठ जी धार्मिक तो थे ही, सत्संगी थे, उन्होंने अंदर स्वागत किया। बोले बहुत बढ़िया बंगला बनाया है। बोले हाँ बन जाता है, भगवान की बड़ी कृपा है, साधु संतों की बहुत कृपा है। तो ये क्या आपके पिताजी ने बनवाया? ना 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 ना, वो तो मैं तो खुद सेल्फ मेड मैन हूँ महात्मा जी। ये तो मैं एक छोटे टाउन से शुरुआत किया मैंने जीवन, लेकिन आप लोगों की कृपा से है ना ये घर बनाया। बोले आपका उद्यान, आपका लॉन वान बहुत अच्छा है, मुझे शौक है इसका, मैं पर्सनली इसको देखता हूँ। अच्छा ये बहुत बढ़िया है। अब ऐसे 10 चीजों का नाम लिया साधु बाबा ने, और 10 चीजों में उन्होंने कहा ये मैंने किया, ये मैंने किया। और महाराज घुमाते घुमाते वो ले गए गाय की समाधि के पास। बोले ये गोसाई थी गौ माता, तो मर गई। किसने मारा? बोले इंद्र ने मारा। इंद्र ने कहा सेठ जी बंगला किसने बनवाया? मैंने। उद्यान आपने बनवाया, ये कोने में मंदिर आपने बनवाया, ये सब आपने बनवाया, और गाय मैंने मारी, पकड़ो इसको। देखो एक कर्तृत्व को सुविधा अनुसार पकड़ और छोड़ नहीं सकते। यदि देखना हो तो पूरा प्रकृति में जाना चाहिए, और नहीं तो ये बंटवारा नहीं कर सकते। महात्मा लोग तो जरा जोर से ऐसा बोल देते हैं, चलो बोल ही देता हूं। बोले सेठ जी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलने वाला है। अगर आप खाने वाले हो तो फिर पूरा ही खाओ,
कड़वा भी फिर लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे समझाते हैं लोग। सम्यक दर्शनम सर्वाणि कर्माणि, जो कर्ता भाव मिटा तो बस सारे कर्म गए। ये तो जबरदस्ती जो है दूसरे का किया हुआ अपने सिर पर ले लेते हैं हम लोग। तो अपने सच बात तो यही है कि निर्विकार स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं है इसलिए, और इसलिए ज्ञान होते ही वो भस्म होता है। नारायण बोलते हैं, चूंकि ऐसा ज्ञान से ही संभव है, यतः एवं, और कोई साधन ऐसा नहीं है जो सभी कर्मों को निर्बीज कर दे, और कोई ऐसा साधन नहीं है जो सभी कर्मों से हमारी छुट्टी कर दे। यहां तो स्थिति यह है कि जितना ही कर्म सिद्धांत को आदमी समझता है उतना ही वो ये भी समझता है कि छूट नहीं सकता, चाहे जितना कोई बलवान हो, रिसोर्सफुल हो, इन्फ्लुएंसफुल हो। नारायण, महाराज दशरथ को तो भोगना पड़ गया, बताइए, कोई बच नहीं पाता। जितना ही आदमी कर्म सिद्धांत को पहचानता है उतना ही उसको ये भी अनुभूति होती रहती है, और उसके जीवन में वो पुष्टि भी होती रहती है। फल आते रहते हैं, तो वो जानता है कि हाँ वो किया था ना, उसका ये है। किसी को बोलना थोड़ो है, चुपचाप अपना भोग लेना है और छुट्टी करो, किसको बताएं। उसका ये पुष्टि होती रहती है। जो जानकार है, संवेदनशील है, वो पहचानता है, रिलेट करता है, तब तो और डर लगता है कि ये वाला आया है तो अगला वाला भी जरूर आएगा। डर भी लगता है, विश्वास भी होता है। नारायण, तो जब ये कहा गया कि सारे कर्म एक साथ निर्बीज हो जाते हैं, माने आपको छोड़ देते हैं, उनमें ये सामर्थ्य ही नहीं है कि आपको पकड़ें। निर्विकारस्त्वम, व्हाट ए रिलीफ, मुक्ति हो गई। भगवान कहते हैं चूंकि यह इसी साधन में सामर्थ्य है, इसलिए नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं तुल्यं पवित्रं पावनं शुद्धिकरमिह विद्यते तज्ज्ञानं स्वयमेव योग संसिद्धः योगेन कर्मयोगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो योग्यतामापन्नो मुमुक्षुः
कालेन महता आत्मनि विन्दति लभते इत्यर्थः। नारायण, स्वाभाविक है, ये जो वचन है वो पूर्व मंत्र के ऊपर एक स्वाभाविक वचन है। चूंकि समस्त कर्मों से मुक्त करने वाला केवल और केवल ज्ञान है, इसलिए भगवान अपने मुख से बोल देते हैं। यह साधना के क्षेत्र में, जगत में, मुक्ति के मार्ग में यह शब्द का अर्थ ऐसे लेना चाहिए। यह ज्ञानेन सदृशम, ज्ञानेन तुल्यम अर्जुन पवित्रम न विद्यते, पावन करम शुद्धिकरम न विद्यते। तीर्थ में पुण्य हुआ, प्रायश्चित करने से कोई पाप नष्ट हुआ, कम हुआ, सत्संग से, जप से, तप से भीतर के संस्कार बदले, कुछ रह गए कुछ बदले, मैंने क्योंकि व्यक्तित्व बना रहा, जीवत्व बना रहा, कर्तृत्व भोक्तृत्व बना रहा, सबसे बढ़कर के अविद्या बनी रही, तो सारे जो साधन हैं वो अविद्या की छाया में ही हो रहे हैं, जीवत्व को स्वीकार करके ही हो रहे हैं, चाहे जितने साधन कर लो। मानस का दर्शन तो एक और भी है, वो कहते हैं जितने साधन आप करते हो सब देह के समुद्र के किनारे बैठ के करते हो। सीता जी की खोज के लिए जब निकले ना बानर लोग, तो समुद्र के किनारे तक पहुंचे और वहां आगे उनको कोई मार्ग दिखता नहीं, तो समुद्र का लक्षण किया वहां पर, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, कुणप, कुणप माने शरीर, कुणप अभिमान, यह जो देहाभिमान है यह सागर है, इसी के किनारे यहां तक आदमी पहुंचता है, इसी के किनारे बैठ के साधना करता है। बोले पहले मैं बहुत देर में उठता था, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, प्रगति हो रही है, साधना में प्रगति हो गई कि अब मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, फिर संध्या करता हूँ, पूजा करता हूँ, आसन भी करता हूँ, वाह, पवित्र जीवनचर्या होने लग गई, देह भाव के बिना। ये सब कैसा होता है, देह भाव के साथ तीर्थ में जाते हैं, हाँ, देह भाव के साथ परोपकार करते हैं, देह भाव के साथ ध्यान करते हैं, देह में बैठ के देह का, ये बहुत विचित्र स्थिति है, ये छोड़ता ही नहीं है। कहाँ ध्यान कर रहे हो जी, मन को दौड़ा रहा हूं पूरे शरीर में। देखो, बोले मूलाधार में कर रहा हूं, कहां है वो, देह में, स्वाधिष्ठान पर नजर है मेरी, ऐशावाश, तोड़ दो उसको। भेदन बोलते हैं, हम तोड़ दें तो आपको अटपटा लग रहा है क्या, वही बोलते हैं चक्र भेदन करो। वो है सब कहां, बोले देह में है, इसकी निंदा मत समझना आप, उसका बहुत लाभ होता है, लेकिन है तो सब देह में, देह भाव की वृत्ति के भीतर ही ये सब चीजें तो बनती हैं, और क्या करें। 64 तीर्थ है घट माही, अब घट तो सबसे बड़ा हुआ ना, ठीक है 64 तीर्थ होंगे, कहां घट में,
इसमें देह वृत्ति का क्षण भर के लिए विस्मरण है क्या? आप करके देखो, विचार करके देखो, सारे साधन वहीं जाके थक जाते हैं, और अब कौन सा साधन करूं जिसमें ये समुद्र को पार करना संभव हो? कोई दिखता ही नहीं है। तभी तो बेचारे रोए बानर, बोले अब तो मरण पक्का हो गया, अब नहीं जा सकते, वापस जा नहीं सकते, सुग्रीव मारने को तैयार बैठा है, आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, छटपटाहट होती है। फिर वो प्रसंग है आगे, कभी रामायण का प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे। माने ये ऐसी स्थिति है, ये साधनाएं सब की सब हमारी हितकारी हैं, कल्याणकारी हैं, लेकिन सबकी सीमाएं हैं ना। देह भाव को ही पार कराने वाली साधना नहीं दिखती है, आप सोच के बताना मुझे। जीव भाव को पार कराने वाली कौन सी साधना है? तो देह भाव को पार कराना मुश्किल है। बोले मैं सुबह शाम टहलने जाता हूं, विदेहराज विदेहराज होके जाते हो क्या? अब तो किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप केशव कहीं न जाए का कहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी समुझी मन रहिए। बस ये संतों की वाणी है, ये भजन सम्राटों की नहीं है। ये संतों की वाणी है जो दिल से निकली है, बहुत पकी हुई वाणी है। हम लोगों में ऐसी अयोग्यता आ गई है कि बहुत सेलेक्टेड सुन सकते हैं, क्या करें। ग्रंथ साहब में एक पंक्ति आई, आओ सिख सदगुरु के प्यारियों, गाओ सच्ची वाणी। ये कोई भी वाणी गाने वाली नहीं है, तुक्का बैठा के लिख दिया उसको राग ताल नमका झमका, क्या नमका ना नहीं क्या झनका मन का, झनका मन का रीवा में ये शब्द चलता है, झनका मन का लगा के गाया भजन सम्राट। ये देखो कैसा मर्म की बात है, बोले केशव कही न जाए का कहिए, तो चुप चुप रहिए। देह भाव को पार कराने वाली कोई साधना नहीं दिखती, जीव भाव को पार कराने वाली साधना ठीक है, ये तो ज्ञान प्लव है बस, एकमात्र एकमात्र, जब तक इस पर प्रमाण व्यापार ठीक से न हो, मीमांसा ठीक से न हो, तब तक कर्म का आश्रय कौन है ये बात कौन बतावे, कौन बतावे। निर्व्यापारो ही आत्मा, आहा ये कौन बोले भाई। बोलते हैं इसलिए, ज्ञानेन सदृशं पवित्रम, नाम मत लेना अर्जुन, ऐसा कोई है नहीं। और महाराज मेरी समझ नहीं आती कि कृष्ण भगवान की ये वाणी है और लोग ज्ञान का खुलेआम हैं मंच से टीवी से जहां से मर्जी वहीं से अपना तलवार बांधते रहते हैं, ज्ञान का खंडन करना है। मानो ज्ञान का खंडन मेरी भक्ति का प्रमाण पत्र है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, क्योंकि मैं ज्ञान का खंडन करता हूं। किसके भक्त हो? कृष्ण भगवान के। उन्होंने क्या कहा है ज्ञान के बारे में?
बोले उससे हमसे क्या मतलब है, कहूंगा तो मैं वो सुनेंगे, ऐसे मिथ्या धारणा होती है, अशास्त्रीय चिंतन सोच मान्यताएं बन जाती हैं। बोलते हैं नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यह विद्यते अर्जुन, और वो ज्ञान मिलता है, घबराओ मत, वो मिलता है। बोले महाराज बहुत देर लगती है मुझे, तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। भगवान बड़ा एक सुंदर वचन बोलते हैं, टाइम लगता है। इससे बड़ा संतोष होता है अगर कह देना कि अभी नहीं हुआ, तुमको नहीं हुआ, इतना होने पर भी नहीं हुआ, तब तो लगता है मुझ में तो कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। हाँ, हमारे एक ब्रह्मचारी जी हैं, पिछले बैच में थे, वो अपने सहपाठी को एक दिन फोन कर रहे थे, मुझे बताया कि मैंने क्या फोन किया। उन्होंने उनको कहा था कि मेरा ज्ञान यज्ञ हो रहा है तो वो बोलता है कि आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हो, आपको ज्ञान कैसे हो गया, पढ़े तो हम साथ साथ ही हैं। पढ़े तो हम साथ साथ ही हैं, आपको कैसे हो गया। वो मेरे को बता रहा था कि मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा ये देखो इसका परिहास की बात थी, लेकिन उड़ाया उनको। लेकिन आप ज्ञान यज्ञ कर रहे, आपको ज्ञान कैसे हुआ, साथ ही साथ तो पढ़े, आपको कैसे हो गया। जयदेव ने कहा उनके एक मित्र हैं, उनको फोन किया। जब ये कहा जाता है कि काले न, तो लगता है कि नहीं नहीं ये केवल मेरे साथ नहीं हो रहा है, भगवान ने खुद ही कहा है कि टाइम लगता है। बोले महाराज कितना टाइम लगता है, महता, ये देखो ये खिलवाड़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज टाइम लगता है। महता कालेन, लेकिन एक बात पक्की है, विंदति जरूर प्राप्त करता है साधक, हाँ समय लगता है। महता कालेन विंदति, कहाँ ज्ञान कहाँ मिलता है। बोले एक दिन स्वयं भीतर ही लगेगा, अरे तो मैं ही था, ये तो मेरे ही बारे में सब कहा गया, और मैं अब तक कुछ कुछ सोच रहा था, कुछ कुछ कर रहा था। आत्मनि विंदति, शास्त्र के सारे वचन अपने में घटते हुए दिखाई देते हैं। टाइम लगता है, वो टाइम क्यों लगता है, बोले पकने में टाइम लगता है। समसिद्ध विंदति, श्लोक देखना, वही नजर होनी चाहिए, ये प्रमाण वचन है भाई। समसिद्ध विंदति, कोई भी प्राप्त कर ले वो नहीं होता। बोले कैसे समसिद्ध हुआ वो, योग समसिद्धा, योग समसिद्धा तात ज्ञानम स्वयं विंदति, वही सावस स्वयं भीतर ही प्रकट होता है। बोले योग कौन सा, अब देखो ये अंडरलाइन करना, भगवान भाष्यकार गीता जी के जो दोनों योग हैं प्रधान, दोनों का उल्लेख करते हैं। योगे न माने कर्म योगे न, ये साफ साफ मामला है, कर्म योग के बिना बात बनती नहीं। परमात्मा के लिए जब तक उनका किंकर होकर के, सेवक होकर के, दास होकर के जीवन न जिया जाए, है ना,
बात बनती नहीं। काकभूषुण्णी जी ने रामायण में कहा, सेवक स्वामी भाव बिनु, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी। जब तक ये भाव न बने, मैं सेवक वो सेव्य, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय। भगवान क्या बोलते हैं, कर्मयोगे न, दूसरा समाधि योगे न च, और ध्यान योग का अभ्यास करे। ध्यान रखना, अभी सांख्य योग आया नहीं, अभी ये दोनों ही थोड़ा दूसरी श्रेणी में आए हैं। कर्मयोगे न समाधि योगे न च संसिद्ध, संसिद्ध माने अब फिर से कोई रहस्यवाद मन में ना आ जाए, तो साफ लिखा संस्कृत, कर्मयोगे न समाधि योगे न च संसिद्ध माने संस्कृत, योग्यताम आपन्न, इन दोनों योगों से योग्यता प्राप्त हुई, इस योग्यता से युक्त मुमुक्षु फिर वो प्राप्त करता है। प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है, तद्विद्धि प्रणिपाते न, वही है आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य नान्य पंथा विद्यते अनाय। इस विषय में कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, चाहे जो मर्जी आके बोल दे। श्रुति प्रबलतम प्रमाण हमारे सामने है, अब किसको प्रमाण करके बोले। योग संसिद्ध इसमें समय लगता है, सुसंस्कृत होने में समय लगता है। प्रवृत्ति की साधना बनी कर्मयोग, और समाहित होने की साधना बनी समाधि योग। ऐसा जो मुमुक्षु है फिर प्रमाण व्यापार करे तो बात बनती है। एक बात साफ है, ये न एकांतेन ज्ञान प्राप्ति ही, भाष्यकार बोलते हैं, जो बिल्कुल अव्यभिचारी साधन है ज्ञान का, एकांतेन का मतलब अव्यभिचारी, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, श्योर शॉट, ये एकांतेन, उसमें कभी कोई भेद नहीं हो सकता, गलती नहीं हो सकती। बोलते हैं ये ने एकांतेन ज्ञान प्राप्ति भवति स उपाय उपदिश्यते। योग संसिद्ध है ठीक है, लेकिन एकांतेन उपाय ये है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कल देखेंगे इसको, तो कल पूरा करेंगे, लेकिन ये श्रद्धावान में पंक्ति देखना, 139 पेज पर पहली ही है, बहुत सुंदर पंक्ति है ये, बिल्कुल धड़ाकेदार। बोलते हैं यह एवं भूतः श्रद्धावान, मिला यह एवं भूतः श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः च, अब ये पंक्ति देखो, सह अवश्यम ज्ञानम लभते। इसलिए बोलते हैं श्योर शॉट, सह अवश्यम ज्ञानम लभते, कोई संदेह की बात नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।